हेलो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेलवे में अप्रेंटिस करने के क्या फ़ायदे होते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये कोलकाता बोर्ड का रिजल्ट है जो ग्रुप डी का ही है। तो इसमें आप अप्रेंटिस का देख सकते हैं कितना कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, 40 नंबर पे जनरल का, 30 नंबर पे ओबीसी का, फिर एसटीएससी का 31 नंबर पे। फिर दूसरा रिजल्ट आप देख सकते हैं भुवनेश्वर बोर्ड का है, वही ग्रुप डी 2018 का है, वो भी अप्रेंटिस का सिलेक्शन देख सकते हैं 40 नंबर पे जनरल का, 30 पे ओबीसी, एसटी का, एससी का 31 नंबर पे, एसटी का 31 नंबर पे। इतना कम नंबर पे सिलेक्शन होता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि अप्रेंटिस करने के कितने फ़ायदे होते हैं। इसमें आपका 20% सीट रेलवे में रिजर्व रहता है। तो अभी चलते हैं कौन नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि 3591 सीट का वैकेंसी निकाली गई है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। इसमें आप देख सकते हैं, अभी आगे चलेंगे तो अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितना है। तो एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपया, और पेमेंट ऑनलाइन मोड है, और एसटी एससी और वोमेन के लिए कैंडिडेट को फ़ी में छूट दी गई है। स्टार्टिंग डेट है 25/5/2021 और लास्ट डेट 24/6/2021। मिनिमम एज है 15 साल और मैक्सिमम 24 साल। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको दिया जाएगा आपके हिसाब से। फिर कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन एनसीबीटी एससीबीटी से आईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपका वैकेंसी डिवीज़न वाइज दी गई है। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको उस टाइम आपको प्रेफरेंस डालना पड़ेगा, उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ठीक से भरिएगा। अभी चलते हैं पूरी तरह से नोटिफिकेशन की तरफ, और नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि कैसे क्या बताया गया है। तो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है इसमें। तो वही जो हम बताए, एसटी और एससी का जो एज रिलैक्सेशन है, तो एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर आपका ये क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आपका ट्रेड आईटीआई में क्या है, फिर आप किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर नोट पे दिया गया है कि कोई भी आईटीआई कैंडिडेट जो कि रिजल्ट को वेट कर रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से बनवाएं, उसका दिया गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, चीफ रेसिडेंट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, या तहसीलदार से बनवा सकते हैं, लेकिन तहसीलदार से नीचे वाले से आप ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। यहाँ पर आपका ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताया गया है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल होगा। फिर आपको स्टाइपेंड आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा जो कि रूल के हिसाब से है। फिर आपका यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन में बताया गया है कि एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल द पर्सनल डिटेल, मतलब आपका जो पर्सनल डिटेल होगा वो आप अच्छे से फिल करेंगे, ट्रेड, आधार नंबर, मार्क्स कितना है। फिर डिवीज़न और वर्कशॉप भी आप चूज करेंगे, उसी के हिसाब से आपका कंप्यूटराइज्ड मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये सब आपको अच्छे से फिल करना है। फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो आप अच्छे से डालिए, फिर मोबाइल नंबर भी डालिए जिसमें आपका एसएमएस आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसी में आपका कुछ भी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन आएगा तो उसी ईमेल पे दिया जाएगा। फिर अगर आप एक से ज़्यादा आईटीआई ट्रेड में आईटीआई कर चुके हैं तो आप अलग अलग ट्रेड से अलग अलग एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट आप मैट्रिक का अपलोड कीजिए, 10th क्लास का। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आप मैट्रिक का एडमिट कार्ड दे सकते हैं। फिर कंसिडर्ड आईटीआई मार्कशीट दे सकते हैं। फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर डिसेबल हैं कोई भी तो उस तरह का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे सर्विस करते थे तो उससे आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये सब आपका मोड डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना है आप अच्छे से अपलोड कीजिएगा। फिर आपका फ़ोटो है जो जेपीजी में होना चाहिए, 20 KB से 30 KB के अंदर में होना चाहिए। यहाँ पे आपका रिजेक्शन के बारे में बताया गया है कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो सकता है। तो इस सब पॉइंट को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जैसे कि स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, विदाउट स्कैन सिग्नेचर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। फिर फोटो जो आप खिंचवाएंगे वो खिंचवाते टाइम आप गॉगल पहने रहिएगा या फिर कैप पहने रहिएगा या किसी तरह का कलर ग्लास पहने रहिएगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब आप अच्छी तरह से देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का भी वीडियो लाऊंगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक्स।